नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं जितेंद्र कुमार जौली। यदि आपने इस बार UPSC असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2021 हेतु आवेदन किया है तो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। UPPSC के नक्शे कदम पर अब उच्चतर शिक्षा आयोग चलने लगा है। इस संबंध में एक समाचार पत्र द्वारा समाचार प्रकाशित किया गया है। देखिए, यहाँ पर बताया गया है कि शासन की मंशा के अनुरूप उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग भर्तियों का त्वरित निस्तारण करवा रहा है। कोरोना संक्रमण काल में भी UPPSC की कार्यवाही धीमी नहीं पड़ी है। उस दौरान लंबित परीक्षाओं के परिणाम जारी किए गए हैं। कोरोना की स्थिति नियंत्रित होने पर भर्ती परीक्षाएं व साक्षात्कार कराए जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। UPPSC की तर्ज पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भी काम में तेजी लाने का खाका तैयार किया है। इसकी झलक विज्ञापन संख्या 49 के तहत प्राचार्य पद की भर्ती में दिखी है। तो देखिए, यहाँ पर इन्होंने ये गलत लिख दिया है। यहाँ पर उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग लिखना चाहिए था। साक्षात्कार खत्म होते ही 12 अगस्त की शाम तक उनका परिणाम जारी कर दिया गया है। उसी तर्ज पर असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती तेजी से निस्तारित की जाएगी। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने अशासकीय सहायता प्राप्त एडिड डिग्री कॉलेज के लिए विज्ञापन संख्या 50 के तहत असिस्टेंट प्रोफेसर पद की भर्ती निकाली है। इसके तहत 48 विषयों में 2003 पद की भर्ती होने वाली है। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा लिखित परीक्षा 30 अक्टूबर, 6 नवंबर, 14 नवंबर एवं 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। लिखित परीक्षा के 4-5 दिन के अंदर उत्तर कुंजी जारी करके अभ्यर्थियों से आपत्ति ली जाएगी। आपत्ति लेने के सप्ताह भर के अंदर अंतिम उत्तर कुंजी जारी होगी, जबकि 20 दिन के अंदर परीक्षा का परिणाम जारी करने का लक्ष्य यहां पर निर्धारित किया गया है। सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लिया जाएगा। आयोग दिसंबर 2021 में साक्षात्कार भी शुरू कर देगा। इसे देखते हुए लिखित परीक्षा का परिणाम चरणबद्ध व जल्दी जारी किया जाएगा। जिस विषय की परीक्षा पहले खत्म होगी उसका परिणाम जल्द जारी करके सफल अभ्यर्थियों का साक्षात्कार की तैयारी की जाएगी। फरवरी अथवा मार्च 2022 तक अंतिम परिणाम जारी करने की तैयारी है। तो देखिए, उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग की सबसे खास बात यह है कि यहां पर जब आपका इंटरव्यू होगा तो इंटरव्यू के दिन ही रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाता है। मान लीजिए किसी विषय का इंटरव्यू 4 से लेकर 5 दिन चलता है, तो ऐसी दशा में जिस दिन लास्ट इंटरव्यू होगा उस दिन उस विषय का परिणाम जारी कर दिया जाता है। यहां पर परिणाम को रोक कर नहीं रखा जाता है। देखिए, जिन विषयों की भर्तियों के लिए यहां पर परीक्षा पहले आयोजित हो जाएगी, अर्थात 30 अक्टूबर या 6 नवंबर को आयोजित हो जाएगी, उनके फाइनल रिजल्ट भी पहले ही जारी कर दिए जाएंगे। सारी परीक्षाएं संपन्न होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। परीक्षाएं होती जाएंगी, उसके बाद में परिणाम घोषित होते जाएंगे और इंटरव्यू भी होते रहेंगे। फाइनली जिन लोगों का एग्जाम 12 दिसंबर को होगा उनको भी फरवरी या मार्च 2022 तक नियुक्ति पत्र देने की तैयारी चल रही है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए और अपने साथियों में शेयर कीजिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद में बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।